पहले के जमाने में खाद के अलावा खाद नहीं था तो गोबर से ही अनाज उपजाया करते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो बने रहिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ, अच्छे से अच्छा ब्लॉग आप तक पहुँचाता हूँ, और आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग चीज़। आप वीडियो बने रहिए, हम मिलते हैं वीडियो के बीच में। गाइस, मैं आज आया हूँ इधर खेती की ओर, देख सकते हैं इधर। तो आपको अमेजिंग चीज इसलिए बोला दिखाने के लिए, देख सकते हैं ये चने का झाड़ है, किस तरह यहाँ पे चना लगा हुआ है। इसमें खाद या और भी कोई पदार्थ डाला होगा, लेकिन अब ये देख सकते हैं इसी खेत के बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पूरा चना डाल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो बने रहिए, देख सकते हैं एक ही जगह पे कितना सारा घना हो गया है। इसका मेन रीज़न है गाइस गोबर, क्योंकि यहाँ पे गोबर का मात्रा ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ पे इतना घना हो गया है। तो आप समझ सकते हैं पहले के ज़माने में खाद के अलावा खाद नहीं था तो गोबर से ही अनाज उपजाया करते थे। देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा घना आपको दिख रहा है, ये वही रीजन है गोबर का, यहाँ पे गोबर ज़रूर होगा, देख सकते हैं। और देखिए पूरी खेत में इस तरह कहीं नहीं है, देख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, अगर खाद पदार्थ बंद करके और इससे करता है तो इससे क्या होगा, गोबर से बीमारी भी नहीं है और अन्य भी ज़्यादा होता है। आपके सामने ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पे उगा हुआ है चना, और अच्छा है, पूरी खेत से यहाँ पे अच्छा चना है, देख सकते हैं यहाँ पे होगा। और ये आधे में जितना होगा उतना पूरा खेत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसान मैं भी हूँ, मैं भी ये सब देख चुका हूँ, ये सब करता भी हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ज़्यादा खाद डाल दिया होगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि गोबर का मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे इसी तरह से अन्य होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा है, और आपको आगे चल के दिखाते हैं, आगे भी है, देख सकते हैं आगे भी इसी तरह से है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं खाद से और गोबर से अन्य में कितना फर्क है, देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ देख सकते हैं आपको सैंपल दिखा रहे हैं, यहाँ पे गोबर है, बीच में गोबर है, यहाँ पे दिख भी रहा है गोबर का ढेर था, इसी के ऊपर हल चला के और ये कर दिया गया है, यहाँ पे चना डाल दिया गया है, देख सकते हैं गाइस। तो आप ये समझ सकते हैं कि खाद पदार्थ कैसा है और गोबर कैसा है, इन दोनों में अंतर कितना है, क्योंकि अभी के ज़माने में खाद ज़्यादा यूज हो रहा है, तरह तरह का खाद केमिकल्स डाल के अन्य उपजाऊ कर रहा है, लेकिन गोबर से देख सकते हैं गोबर से कितना ज़्यादा फायदा है। एक तो अन्य भी ज़्यादा हो रहा है और प्लस में कोई बीमारी नहीं है, पूरी खेत में देख सकते हैं इस तरह से कहीं नहीं है, पूरी खेत में कहीं नहीं है ऐसा जैसा जैसा यहाँ पे है, कहीं नहीं है। तो वैसे मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, इस ब्लॉग में आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप खाद्य पदार्थ से थोड़ा दूरी बनाइए, और आपके अगर घर में अगर गाय भैंस है तो हम लोग तो गोबर को जलाते भी हैं, उसको खेत में ज़रूर डालिए। खेत में डालने से देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, खाद से ज़्यादा फायदेमंद होता है और अन्य भी अच्छा होता है। तो आपको अभी दिखा रहे हैं थोड़ा और नज़दीक से यहाँ पे, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, आपको सैंपल भी दिखा सकता हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ पे गोबर का ढेर था, देख सकते हैं यहाँ पे गोबर था, देखिए जहाँ पे गोबर था ये पूरा एरिया को देख सकते हैं कितना अच्छा पौष्टिक मिला है झाड़ को, देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे अन्य हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे गोबर था, देखिए। और पूरे खेत में ज़रूर कोई ना कोई खाद तो उपयोग किया ही होगा,
देख सकते हैं किस तरह से है। ये देखिए पूरे खेत में ऐसा कहीं नहीं है। और ये मेरे साथ में आए हैं। तो गाइस आप लोग खाद से थोड़ा दूरी बनाइए और गोबर का उपयोग ज़रूर कीजिए। रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।